अल्लाम ख़वातिन हजरा मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जहाज़ मुगल कंसल्टेंट मैक्सलोफे सर्जन और आप देख रहे हैं मामूल का प्रोग्राम वेंसडे को ओ पी डी पर आज का टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड या थूक के हदूद आप इस प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं कॉल करने का नंबर है ज़ीरो टू वन थ्री फाइव थ्री ज़ीरो फाइव डबल सेवन एट ज़ीरो टू वन थ्री फाइव थ्री ज़ीरो फ़ाइव डबल सेवन नाइन आप ईमेल भी कर सकते हैं ओ पी डी एट हेल्थ डैश टी वी डॉट टी वी पर इसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम लाइव सुन भी सकते हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एफ़ एम नाइन्टी एट पॉइंट टू पर तो ख़वान हजरात आपको याद होगा जो हमने इससे पहले चार प्रोग्राम किए थे उसमें हमने बात की थी औरल कैंसर के बारे में या मुँह के सरतान के बारे में जिस पर ख़ास तौर पर हमने छालियाँ पान गुटका نسوار، शीशा और मुख्तफ़ किस्म के जो नशा आवर चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं हमारी सोसाइटी में उनके वजह से जो हमारे मुँह के अंदर या गालों में तालों में ज़बान पर होंठ पे जबड़ों में जो कैंसर डिवेलप होता है पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बायोप्सी के बारे में भी जिक्र किया था कि आया के बायोप्सी जो है वो कब कराई जाती है इसके पीछे जो सबसे पर्टनन्ट या जो सबसे ज़रूरी या अहम पॉइंट था वो बेसिकली कि अगर आपके मुँह में कोई छाला हो कोई धब्बा ऐसा हो सफ़ेद धब्बा हो या लाल धब्बा हो खास तौर पर और अगर आप छालियाँ पान घुटका और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हों आपका मुँह कम खुलता हो और ये मसले जो हैं दो से तीन हफ्ते के अंदर इलाज के साथ ठीक ना हो तो फिर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है बायोप्सी के बारे में हमने आपको ये भी बताया था जो बहुत आम तौर पे लोगों के जहन में डाउट होता है कि बायोप्सी करने से जो मर्ज है वो फैल तो नहीं जाएगा या बायोप्सी करने से अगर कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं है तो क्या वो बायोप्सी से ख़तरनाक तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे आके हमने औरल कैंसर के टॉपिक को आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इसकी ये वजह नहीं है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है इट इज़ बेसिकली बिकॉज़ अभी कुछ और भी ऐसी बाकी चीज़ें हैं डिस्कस करना कि जिसके बाद फिर हम इलाज की तरफ़ जाएंगे वो इलाज जो उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें कैंसर डायग्नोज हो चुका हो इसी हवाले से जो एक ज़रूरी टॉपिक था वो आज का है सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी जो कि अंग्रेज़ी का अल्फाज है वो उसका जो सबसे सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हैं ये वो ग्लैंड्स हैं कि जिनसे आपका स्पिट बनता है या थूक बनता है उर्दू में जिसको कहते हैं अब देखें थूक तो बहुत ज़रूरी होता है ज़ाहिर हम सब जो हैं बग़ैर थूक के फंक्शन नहीं कर सकते इससे हमारा टेस्ट डेवलप होता है टेस्ट के अलावा मुंह का जो एक नॉर्मल फीलिंग होती है कि एक मुंह के अंदर जब थूक नहीं बन रहा होता तो वो बहुत ड्राई फील होता है ख़ास तौर पे वो हजरत जो दवाइयाँ ले रहे हों जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ एक मिसाल हैं इनके वजह से थूक दवाइयों की वजह से कुछ कम बन रहा होता है उसमें भी ड्राइनेस फील होती है बहुत अनकम्फर्टेबल होती है कभी कभार कुछ ऐसे भी होता है लोगों में कि कैंसर के इलाज के वजह से उनको शुआं मिली होती हैं उन शुआओं के वजह से उनके मुंह में भी थूक बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है उसके वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी होती है थूक ना बनने के वजह से सिर्फ़ आपके मसूड़े आपके गाल आपकी ज़बान ओवरऑल जो एक अपेयरेंस है या एक कंफर्ट लेवल है उसमें फ़र्क तो ज़ाहिर आता है लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि थूक ना बनने की वजह से आपके दांतों पे भी असर पड़ता है जो ड्राइनेस होती है उसके वजह से कीड़ा ज़्यादा जल्दी लग सकता है और फिर आपके दांत भी मुतासर हो सकते हैं जब ऐसा हो जाए और अगर शुआं लगी हुई हों तो फिर इन दांतों का इलाज भी बहुत मुश्किल होता है तो ख़वानों हजरात टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के साथ अब मैं आपको ये बताता चलूं कि थूक के जो ग्लैंड्स होते हैं आपके या जो सलाइवरी ग्लैंड्स या जो थूक के खुद कहलाते हैं वो आपके कहाँ मौजूद होते हैं इसके लिए मैं आपको पहले एक स्लाइड दिखाता हूँ अगर आप प्लीज़ पहली पिक्चर को ऑन एयर कर दीजिए जी अब आपको जो तस्वीर नज़र आ रही होगी इसमें आपको एक चेहरा नज़र आ रहा है जो कि साइड पे आ, उसका एक प्रोफाइल लिया गया है इसमें आपको तीन पिंक रंग के डायग्राम्स नज़र आ रहे होंगे एक जो कि कान के बिल्कुल सामने है ये वो है जो बड़ा है साइज में लंबाई में ऊंचाई में फिर उससे नीचे आपको एक और ग्लैंड नज़र आ रहा होगा जो जबड़े के लोअर एंड पे मौजूद है और इससे जब आप आगे जाएंगे तो आपको दांतों के नीचे अगेन निचले जबड़े के पास आपको उससे भी एक छोटा ग्लैंड नज़र आ रहा होगा ये तीन ग्लैंड हैं ख़ातन हजरा जो कि किसी एक साइड पर होते हैं तो जो सबसे पहला वाला ऊपर कान के साइड वाला जो ग्लैंड था उसको हम परोटेड ग्लैंड कहते हैं पी ए आर ओ टी आई डी परोटेड ये एक डक्ट के जरिए मीनिंग के एक नाली के जरिए आपके मुंह में खुलता है और जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि ये ऊपर के दांतों के साइड पे जाके जो दाड़े हैं वहाँ ये खुलता है उसके बाद जो नीचे वाला ग्लैंड है जबड़े के साथ इसको हम सब सब मीनिंग एस यू बी नीचे मैंडिब्यूलर मीनिंग के जो मैंडबल है जो आपका ये वाला जबड़ा कहलाता है इसको हम मैंडबल कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो यहाँ मौजूद होता है इस जगह पे जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जबड़े के बाहर नहीं होता जबड़े के यहाँ नहीं होता लेकिन जबड़े के अंदर इस साइड पर होता है परॉटेड ग्लैंड जिसका हमने जिक्र किया वो इस जगह पे होता है कान के सामने ये कान की नाली है कान के सामने और इस जगह पे यहाँ आ रहा होता है थोड़ा सा परॉटेड ग्लैंड जो है आपके इस जबड़े के पिछले हिस्से को भी कवर कर रहा होता है लेकिन ये ज़्यादातर फील करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए मरीज जो हैं वो आपको यहाँ प्रॉब्लम बताएंगे कान के बिल्कुल सामने अगर प्रॉटेड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो तो जो एक बहुत ऑब्वियस साइन है जिसके वजह से हमें पता चलता है एज़ अ डॉक्टर अगर कोई मरीज़ आके हमें बताता है कि जी मेरे इधर आगे कान के आगे एक स्वेलिंग मौजूद है तो उसके साथ हम ये नोट करते हैं कि ये जो कान का जो निचला हिस्सा होता है ये साथ में उठा हुआ होता है इस तरह करके इसकी वजह ये है कि ग्लैंड का कुछ हिस्सा जो यहाँ मौजूद होता है वो इस कान के इस निचले हिस्से के नीचे होता है तो ज़ाहिर है अगर ग्लैंड मुतासर होगा तो ये बहुत एक आम सवाल आपको भी एज अ पब्लिक अगर ये बात पता हो तो कितनी आसानी हो कि अगर आपको खुद अपने आप को देखने में नज़र आए कि आप अपने शीशे में अपना मुआयना करें एक कान आपका बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरे कान का ये निचला हिस्सा ये लोब जिसको कहते हैं ये अगर यूँ उठा हुआ हो तो आपको खुद भी ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे थूक का ग्लैंड थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो फिर आपको भी पता होगा कि आपने आगे जा अपने कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा इसी तरह जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जैसे हमने ज़िक्र किया वो यहाँ खुलता है और जो सब ग्लैंड है जो आखिरी जिसका हमने ज़िक्र किया जो तीसरा जो छोटा वो यहाँ दांतों के निचले हिस्से में आगे के जो चार दांत हैं उनके निचले हिस्से में यहाँ मौजूद होता है ठीक है ख़वान रजाद अब इन दो ग्लैंड में जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है और जो सब ग्लैंड होता है इन दो ग्लैंड का जो डक्ट है या जो नाली है वो कॉमन है कॉमन से मुराद सब मैंडिबुलर ग्लैंड से नाली आप इमेजिन करें कि यह जबड़े के नीचे से आती है जबान के साइड से जाती है और जो आगे वाले दांत हैं यहां आके खुलती है बिल्कुल आगे की तरफ इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि यह अगर ग्लैंड है आपके जबड़े के नीचे जो आपको पहले दिखाया गया यहां पीछे से नाली जाती है जबान के साइड से होती हुई दांतों के साइड से होती हुई और जो आगे के जो चार दांत हैं उनके बिल्कुल साथ में आगे की तरफ यहां आके खुलती है तो ये हो गया सब मैंडिबुलर डक्ट लिंगुअल ग्लैंड बिल्कुल इससे आगे इसके नीचे मौजूद होता है और जो लिंगुअल ग्लैंड है वो इन्हीं इसी बड़ी नाली में ही अपना थूक दे देता है और इसके जरिए ये थूक जो है हमारे मुंह में आता है तो इससे जो बात आप समझ सकते हैं वो ये कि चाहे वो परोटेड ग्लैंड हो जो कान के सामने मौजूद हो अब आप देखें कि दांत कहाँ खत्म हो रहे हैं जबड़ा भी आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया है उसके पीछे ये मौजूद है लेकिन ये खुलता कहाँ है इधर आगे जाके दाढ़ों के साथ किधर मुंह में और इसी तरह जो जबड़े के नीचे ग्लैंड है वो भी अपने डक्ट को पूरा जबान के साइड से ले जाते हुए आगे वाले दांतों के साथ यहाँ मुंह में और जो सब लिंग ग्लैंड है वो भी मुंह में जाहिर है थूक जो है हमारे मुँह में आएगा बनने के बाद तो जो हम खाना खाएंगे दांतों के ज़रिए उसको चबाएंगे और वो खाना जो है वो फिर हमारे लिए निगलना आसान हो जाएगा इन तीन ग्लैंड्स के बारे में अब अगर हम वो दूसरी तस्वीर को ज़रा ऑन एयर कर दें जिसमें जो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है अच्छा तो आ, वी हैव हाँ अ कॉलर ऑनलाइन तो पहले जो है कॉलर से बात कर लेते हैं जी अलैक्म डॉक्टर जहाँ से मुग़ल बोल रहा हूँ जीकम जी वाई जी सर जी बताइए अपना नाम बताइए बताइए और सवाल पूछिए प्लीज जी सवाल मेरा ये तेरह साल का तेरह साल का ठीक है तो उसका जो है ना अपना रात को सोते हुए उसका मुंह जो है ना वो खुला रहता है अच्छा ठीक है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ रात को बंद होता है उसको बंद करता हूँ फिर खुल जाता है उसका सांस लेता है ना जब उसका मुंह खुला रहता है तो इसके कोई जबड़े की वजह वजह से से किस ये ये प्रॉब्लम है नहीं, नहीं नहीं, आई मीन I mean, बहुत अच्छा मतलब आपने सवाल पूछा है इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात या कोई इसको हम डिजीज की सूरत में नहीं कह सकते आपने नोट किया होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं उनकी आंखें भी थोड़ी खुली होती है तो उनकी आंखों पे भी ज़ाहिर है ड्राइनेस आती है क्योंकि पंखा चल रहा होता है ऊपर से तो वो जो आंसू भी होते हैं वो भी सूखते हैं तो यस इट इज नॉट गुड अच्छी बात नहीं होती लेकिन बॉडी कॉम्पनसेट करना सीख जाती है जो जो आपके बेटे हैं वो ज़ाहिर अपने मुंह से सांस ले रहे हैं हाँ जी। तो इस वजह से वो अपने मुंह को रिफ्लेक्स तो कर नुकसान तो नहीं देखें ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए कि जो नोज के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आप जरूर दिखाएं उनका ओपिनियन क्या था उसकी हो सकता है थैंक यू फॉर कॉलिंग शुक्रिया वेरी गुड क्वेश्चन बहुत आम सवाल है और देखें सवाल से डिस्कशन आती है मैंने आशीबाह ने आपको आंखों के बारे में भी बता दिया तो फिर इनशाला उस बात ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद जो है आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे सी यू आफ्टर द ग्रेप कीप वॉचिंग ओपीडी। थैंक यू